नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बता। ले लिया भाई तेरा चैलेंज ले लिया फिर। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे। इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत है। भजी भाई अगर आप कमेंट करना चाहें। जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ क्योंकि बतौर हाँ तो बजी भाई आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न है उसमें फिर कैसे इतने आराम से आ जाएंगे। बात वाजिब है, आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इश्यू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज नॉट सिक्योरिटी इशू बिल्कुल है तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए मैं गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है? दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने